चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई रोकने के हेतु एक वृक्ष प्रत्यारोपण ट्री ट्रांसप्लांटेशन नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कथन, इस नीति को दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन बी है, नई नीति के अनुसार एक पेड़ काटने पर उसके बदले 10 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सी ऑप्शन है, इस नीति के तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेड़ों की कटाई पर 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। नंबर डी है, प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80% से कम जीवित होने पर संबंधित एजेंसी के भुगतान में कटौती की जाएगी और 80% से अधिक जीवित होने पर पूरा भुगतान किया जाएगा। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन जो है गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। 9 अक्टूबर 2020 को दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक वृक्ष प्रत्यारोपण ट्री ट्रांसप्लांटेशन नीति को मंजूरी प्रदान की है 9 अक्टूबर को। यह देश की अपनी तरह की पहली नीति है। इस नीति के अनुसार अब एक पेड़ काटने पर उसके बदले 10 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नीति के तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेड़ों की कटाई पर 80% को ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण करना अनिवार्य होगा। सरकार स्थानीय समितियों का भी गठन करेगी जिसमें नागरिकों को शामिल किया जाएगा, जो ट्रांसप्लांट हुए पेड़ों की जांच निगरानी करने के साथ ही सही ट्रांसप्लांटेशन होने पर प्रमाण पत्र भी देगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के मद्देनज़र कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाने के संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र भी होगा। इस टावर हेतु 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उम्मीद है यह 10 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली विश्व का दूसरा शहर है जहां स्मॉग टावर स्थापित किया जाएगा। चीन का सियान विश्व का पहला शहर है जहां स्मॉग टावर जो है स्थापित किया गया है। दिल्ली में स्थापित होने वाले टावर की तकनीक चीन से अलग होगी। यह टावर ऊपर से प्रदूषित वायु को सोख लेगा और नीचे से स्वच्छ हवा को छोड़ेगा, जबकि चीन के टावर में ऊपर से स्वच्छ हवा को छोड़ता है। यह स्मार्ट टावर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्थापित किया जाएगा।